हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज़ीरोधा ऐप का यूज़ करके आप आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो या फिर आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कैसे कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो इसके लिए पहले तो आपको आना है ज़ीरोधा के ऐप के ऊपर, और ज़ीरोधा के ऐप के ऊपर जैसे ही आओगे आपको एक्सट्रीम राइट में ऑप्शन दिखेगा प्रोफाइल का। तो सिंपली आपको इस प्रोफाइल के आइकॉन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोफाइल के आइकॉन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको उसके अंदर मल्टीपल डिटेल्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है आईपीओ का टैब, तो आपको सिंपली आईपीओ के टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप आईपीओ के टैब के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपको इस वेब पोर्टल पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल आईपीओ जिसका बिडिंग फिलहाल चालू है वो आपको दिखाई देगा। तो आपको जिस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है उसके सामने बिड का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं डेटा पैटर्न का आईपीओ के ऊपर बिड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली बिड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप बिड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपके पास जो भी वैलिड यूपीआई आईडी होगा वो आप गूगल पे का भी यूज़ कर सकते हो, अमेजोन पे का भी यूज़ कर सकते हो या फिर भीम ऐप का भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे वो है वैलिड यूपीआई आईडी यहाँ पे इनपुट करना होगा। तो जैसे आप इनपुट करोगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और उसके नीचे आप देख सकते हो इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यहाँ पे आपको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो आपको सिंपली यहीं पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही रहने देना है। उसके बाद में आपको नीचे आपको जो है लॉट सिलेक्शन का प्रोसेस आएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्वांटिटी के ऑप्शन के अंदर ड्रॉपडाउन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है हर एक आईपीओ का क्वांटिटी जो है कितना एक लॉट में इशू किया जाएगा वो प्री डिसाइडेड रहता है। तो जैसे आप ड्रॉपडाउन के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटो फिल हो जाएगा क्वांटिटी। उसके नीचे आपको कट ऑफ प्राइस के ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके नीचे जो कट ऑफ प्राइस रहेगा आईपीओ का वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जैसे आप ये कर लेते हो तो आपको नीचे आपको जाना है, थोड़ा स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके पहले आप यहाँ पे अमाउंट चेक कर सकते हो कितना अमाउंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो इतना अमाउंट सफिशिएंट अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए जिसका आपने यूपीआई आईडी दे रखा है, ताकि आपका जो मैंडेट फेल ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस पेज के ऊपर देखा जाएगा, आपको सबमिटेड सक्सेसफुली का आपको जो है मैसेज आ जाएगा। तो आपका जो है मैंडेट के लिए रिक्वेस्ट चला गया है। तो आपको सिंपली जिस यूपीआई आईडी का ऐप आपने यूज़ किया है यूपीआई आईडी, उस ऐप के ऊपर आपको सिंपली जाके उसको अप्रूव करना होता है। तो मेरे केस में मैंने भीम यूपीआई आईडी यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे भीम ऐप के ऊपर विजिट करूँगा। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि भीम ऐप का यूज़ करें, बहुत ही बेहतरीन ऐप है और इसमें आईपीओ के लिए स्पेशली सेक्शन बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं मेरे भीम ऐप के ऊपर लॉगिन कर रहा हूँ। मैं सिंपली लॉगिन करूँगा तो होम इंटरफेस पे आपको दिखेगा आईपीओ का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, रेड बॉक्स में मैंने मार्क करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो। सिंपली आपको आईपीओ के सेक्शन पे क्लिक करना होता है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो है पेंडिंग और दूसरा है एक्टिव। तो जैसे आप मैंडेट भेजोगे आईपीओ के लिए, मतलब पेमेंट रिक्वेस्ट, तो आपको ये पेंडिंग में दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो है मैंडेट का रिक्वेस्ट यहाँ पे आ चुका है। तो मैं सिंपली इसको प्रोसीड करूँगा। तो प्रोसीड जैसे ही करूँगा तो ये जो पूरा डिटेल्स है, कितना अमाउंट है, वो सब यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आई एग्री करके आपको अप्रूव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अप्रूव के ऊपर क्लिक करोगे और आपके अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन है, मतलब जितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर मैंडेट कर रहे हो उतना अमाउंट अगर है, तो आपका जो रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अभी आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपको होम पे जाने का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली होम के ऊपर क्लिक कर देना है तो आप फिर से जो है भीम के होम पेज के ऊपर आ जाओगे। फिर से आपको एक बार आईपीओ के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और अभी आप देख सकते हो आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया है और वो एक्टिव स्टेट में दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे दो जो है रिक्वेस्ट दिख रही है। तो मैंने मेड प्लस के आईपीओ के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, और अभी जो है मैंने डेटा पैटर्न के आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, उसका हम लोगों ने रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर लिया। तो दोनों सेक्शन यहाँ पे, दोनों आईपीओ का जो सेक्शन है यहाँ पे दिख रहा है। तो आई होप गाइज आपको पता चल गया होगा कि आप 5 मिनट्स के अंदर आईपीओ का एप्लीकेशन या फिर सब्सक्रिप्शन कैसे कर सकते हो ज़ीरोधा ऐप का यूज़ करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और शॉर्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।